हाय, मैं जमल वी किंग बाय वी लॉग चैनल और यहाँ स्टॉकहोम स्वीडन में कल्चर हाउस सामने, कल्चर हाउस लाइब्रेरी आप देख रहे हैं। लाइब्रेरी के सामने या ग्राउंड में अक्सर समर में जो है यहाँ पे प्रोग्राम वगैरह जो होते हैं, सामने भी डेमोन्स्ट्रेशन आप देख सकते हैं ये हो रहा है। और यहाँ पे बच्चों के खेलने के लिए कुछ ना कुछ डाल देते हैं, कुछ लोग सनबाथ ले रहे हैं, कुछ लोग चेस खेल रहे हैं उधर, कुछ लोग चेस खेल रहे हैं। और यहाँ पे बच्चों के लिए मुख्तलिफ जैसे ये आप खेला होगा, ये फुटबॉल गेम आप देख सकते हैं। और ये कुछ बच्चे जो यहाँ पर खेल रहे हैं और एक साथ ये कई 20-25 लोग एक साथ जो है ये फुटबॉल गेम खेल सकते थे। बड़ी टेबल जो है बना के रखी हुई है। और यहाँ दूसरी तरफ ये देख सकते हैं आप, ये भी बच्चों के लिए बॉल को इन बॉल में डाल रहे हैं और वहाँ पे उन्होंने मार भी की है। इसके साथ साथ करना है और ये स्पेशल टाइप की कुर्सियाँ हैं जिस पर बच्चे बैठे हुए हैं। और सामने कुछ प्ले कार्ड उठाए हुए डेमोन्स्ट्रेशन हो रहा है सामने। और ये इसके साथ ही यहाँ पर ये स्टॉकहोम अंडरग्राउंड, स्टॉकहोम पी सेंटर, स्टॉकहोम सिटी अंडरग्राउंड स्टेशन है। और ये आप देख सकते हैं इधर ये बच्चे खेल रहे हैं, कुछ सन बात ले रहे हैं। और ये जब यहाँ पे ये समर के ही दिन होते हैं जब सूरज निकलता है यहाँ पर, तो बहुत ज़्यादा जो है पब्लिक सड़कों पर होती है। और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ के दिन बड़े हो जाते हैं, तकरीबन 22-22 घंटे जो है धूप निकली रहती है। तो इस वक्त भी देख सकते हैं आप सूरज बिल्कुल मिडिल में है और इस वक्त जो है 6 बजे हैं, 5:30-6 बजे का टाइम है। और ये सूरज यहाँ पे, तो आप खुद सोच सकते हैं कि यहाँ पर मगरिब का वक्त, शाम का वक्त, सूरज ग़ुरूब होने का वक्त जो है, सनसेट का टाइम जो है, वो आजकल भी 9 बजे के तक का है। समर के शिलो आज आज ही रोज शिलो।
जा रही है। एक जमाने बहुत पॉपुलर होता था, अब थोड़ी सी पॉपुलरिटी इसकी कम हो गई है। तो और दूसरे बहुत से ज़रा शॉपिंग सेंटर नए मॉल बन गए, जिसकी वजह से एक ज़माना था और ये दोबारा पैक कर देंगे और सुबह फिर निकाल के रख देंगे। तो ये जाने का वक्त हो गया इन बेचारों को। और सामने डेमोंस्ट्रेशन जो है वो जारी है। तो ये है स्टॉकहोम, स्वीडन का कैपिटल स्टॉकहोम। तो ये दूसरी ट्राम जा रही है। Thank you.